मजदूर जो कि आज मजबूर हैं और उनका ये पलायन देखकर बहुत ही करुणा का भाव सभी के मन में जाग रहा है, इसी से संबंधित एक कविता मिली है। घर लौट सका तो जरूर लौटूंगा तेरा शहर बसाने को, आज मत रोको मुझको बस मुझे अब जाने दो। मैं खुद जलता था तेरे कारखाने की भट्टियाँ जलाने को, मैं तपता था धूप में तेरी अट्टालिकाएँ बनाने को, मैंने अंधेरे में खुद को रखा तेरा चिराग जलाने को, मैंने हर जुल्म सहे भारत को आत्मनिर्भर बनाने को। मैं टूट गया हूँ समाज की बंदिशों से, मैं बिखर गया हूँ जीवन की दुश्वारियों से, मैंने भी एक सपना देखा था भरपेट खाना खाने को, पर पानी भी नसीब नहीं हुआ तो बूंद आंसू बहाने को। मुझे भी दुख में मेरी माटी बुलाती है, मेरे भी बूढ़े माँ बाप मेरी राह देखते हैं, मुझे भी अपनी माटी का कर्ज चुकाना है, मुझे माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं पहुँचाना है। मैं नाप लूँगा 100 योजन पाँव के छालों पर, मैं चल लूँगा मुन्ना को रख कर कंधों पर अब मैं नहीं रुकूँगा जेठ के तपते सूरज में। मैं चल पड़ा हूँ अपनी मंजिल की ओर, घर मिट गया अपने गांव की मिट्टी में तो खुश नसीब समझूँगा, और घर लौट सका तो ज़रूर लौटूँगा तेरा शहर बसाने को, पर आज मत रोको मुझको बस मुझे अब जाने दो। भारत की पलायन करती अर्थव्यवस्था यानी मजदूरों को सदर समर्पित यह कविता जिसने भी लिखी है बहुत ही खूबसूरत लिखी है और एक मजदूर के दर्द को बखूबी बयां किया है।